Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, माफिया अतीक अहमद को भारी सुरक्षा के बीच गुजरात के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक के काफिले के साथ बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान और मीडिया कर्मी चल रहे हैं। गुजरात के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए काफिले की एंट्री यूपी में हो चुकी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य आरोपी है और वो उमेश पाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है। इसके साथ ही 2006 में हुए उमेश पाल के अपहरण का आरोपी भी है। अपहरण के इसी मामले में कल यानी 28 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार का नाम भी सामने आया है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। क्या कहा अतीक की बहन और वकील ने? इसी बीच अतीक के काफिले के साथ चल रही उसकी बहन ने बड़ा बयान दिया है। अतीक की बहन ने कहा है कि जो फैसला आएगा वो हमें स्वीकार है, हमें सुरक्षा व्यवस्था का डर है, हम पीछा नहीं कर रहे हैं, हम साथ ही आ रहे हैं, परिवार में कोई नहीं है, सभी जेल में है। काफिले के साथ अतीक की बहन और वकील चल रहे थे। वकील के मुताबिक अभी तक तो सुरक्षित लाया जा रहा है। बता दें कि जेल से निकलते वक्त अतीक ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। उसने कहा कि मुझे कोर्ट के कंधे पर रखकर मारना चाह रहे हैं। रास्ते में अतीक से मीडिया ने पूछा कि डर लग रहा है, तो उसने कहा कि किस बात का डर। अतीक के भाई को लेने पहुंची पुलिस। वहीं प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर झांसी निकल चुकी है। प्रयागराज में पुलिस टीम उसका इंतजार कर रही है। अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी पुलिस बरेली जिला कारागार में लेने पहुंची है। अतीक आज 3 से 4 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएगा। इस दौरान उसका काफिला 4 राज्य जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है। यह सफर कुल 1300 किलोमीटर का है। अतीक के काफिले में पुलिस के 45 जवान मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का खौफ अतीक अहमद को है। तो वहीं अतीक अहमद के पीछे पीछे उनकी बहन और वकील साई की तरह चल रहे हैं ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। बाकी इस मसले को लेकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद।